विदिशा जिले के लटेरी में हुई घटना को लेकर जबलपुर के वन कर्मियों ने अपना विरोध जताते हुए सरकार की ओर से दी गई बंदूकों और पिस्टलों को जबलपुर के वन मंडल कार्यालय में जमा कर अपनी मांगों का एक ज्ञापन वन मंडल अधिकारी को सौंपा है। वहीं वन कर्मियों ने कहा कि विदिशा में जो बंदूक हमारे वन अधिकारी ने चलाई थी वो अपनी जान बचाने के लिए अपराधी पर चलाई थी, लेकिन उस गोली से अपराधी की मौत हो गई थी, परंतु हमारे वन अधिकारी को बिना कोई जांच किए उन्हें अपराधी बना दिया गया। 2022 को विदिशा के लटेरी में यह घटना हुई जो कि बेहद ही दुखद थी, और इससे हम सभी वनकर्मियों को सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि इस वन की सुरक्षा के लिए हम दिन रात लगे हुए हैं। हमने दिन को दिन नहीं समझा, हमने रात को रात नहीं समझा। रात को 10 बजे भी हमें सूचना मिली, वन विभाग के कर्मचारी अपनी जान पर खेल करके उस जगह पे गए, बिना हमारा पक्ष सुने, बिना कुछ भी जाने समझे। एक पक्षी कार्रवाई ये कहीं का भी न्याय नहीं है। अगर एक आम आदमी हिंदुस्तान में पैदा हुआ है, अगर न्याय उसके लिए है तो हम तो एक कर्मचारी हैं, तो फिर ये विसंगति हमारे लिए क्यों? अगर खुद के लिए हम सेल्फ डिफेंस के लिए, अगर कॉमन मैन को राइट है कि वो फायर कर सकता है अपनी प्रोटेक्शन के लिए, तो क्या जिसके पास राइट्स हैं वो उसके पास कोई भी राइट्स नहीं है कि वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए उस पावर को यूज़ कर सके? अगर हम फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कर रहे हैं, अगर हम MP को टाइगर स्टेट का दर्जा दिला रहे हैं, हम MP को लेपर्ड स्टेट का दर्जा दिला रहे हैं, हमारा रेवेन्यू में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो क्या इस डिपार्टमेंट के लिए गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है? क्या कर्मचारियों के प्रति कोई भी मैजिस्ट्रियल जाँच नहीं होती? एक पक्षी कार्रवाई कैसे की जा सकती है? अभी विगत दिवस कुछ दिन पहले ही लटेरी विदिशा में जो मामला हुआ था उसमें एक डिप्टी रेंजर को जेल भेजा गया है। देखिए, वहाँ पे FIR की गई थी, तो FIR से कोई आपत्ति नहीं है। FIR तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, कोई भी जाएगा पुलिस के पास FIR कराने, FIR तो होती है। लेकिन क्या IPC की जो धारा 97, इसमें राइट टू सेल्फ प्राइवेट डिफेंस एंड प्रॉपर्टी है, उसके तहत क्या वन अधिकारियों को या वन कर्मियों को ये मौका नहीं मिलेगा कि हम अपना सेल्फ डिफेंस कर सकें? और दूसरा, CRPC 197 के तहत जब भी कोई ऐसे अपराध होता है या कोई घटना होती है, तो उसमें जब जांच होगी उसके बाद ही जेल भेज सकते हैं। इसमें बिना जांच किए ही जेल भेज दिया गया है, तो इससे हम सबकी आपत्ति है, इसी चीज़ पे हम सबका रोष है। और जब हम हथियार का उपयोग ही नहीं कर सकते हैं, तो फिर हथियार रखने का महत्व क्या है? हमारे वन मंडल, सामान्य वन मंडल जबलपुर के अंतर्गत वन परिक्षेत्र अधिकारी से लेकर वन रक्षक कर्मचारी के द्वारा जो प्रदाय किए गए हैं, वेपन दिए गए थे क्षेत्र में अपनी सुरक्षा और जंगलों की सुरक्षा के लिए, उस संबंध में विदिशा जिले में जो एक घटना घटित हुई है जिसमें परिचय सहायक अन्य कर्मचारियों के ऊपर जो धाराएं लगाई गई हैं उसमें रोष प्रकट किया है, और उस उपलक्ष्य में उन लोग के द्वारा वेपन को जमा किया गया है, और इस संबंध में वरिष्ठ कार्यालय को अवगत करा दिया जाएगा कि कर्मचारियों की क्या मांग है। दोस्तों, न्यूज़ टेक लाइव के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस करें।